हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर दोस्त विधि। और आज की वीडियो आई डोंट नो आपको पसंद आएगी या नहीं। आई हैव ट्राइड समथिंग न्यू विच इज़ एक्चुअली द कॉलेज टूर वीडियो। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट स्टिल आई थॉट यार बताना तो पड़ेगा ही। ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स जो हमारे फर्स्ट ईयर के हैं, लाइक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, सब्सक्राइब कर देना चैनल इफ़ यू हैवंट। एंड यार लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके तो जब अब बॉलीवुड जैसी एंट्री हो गई है, नाउ लेट मी गिव यू अ बिट डिटेल। हमारे पास दो कैंपसेस हैं, वन इज़ द मेन कैंपस एंड द अदर वन इज़ द प्रैक्टिकल लैब्स। तो ये जो बिल्डिंग है, ये दिस इज़ फॉर द प्रैक्टिकल लैब्स। यहाँ पर बेसिकली हमारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल लैब्स हैं, जहाँ पर वी परफॉर्म आवर प्रैक्टिकल्स एंड देन वी प्रोसीड फॉर आवर लेक्चर्स टू द लेक्चर थिएटर्स। वैसे अभी बहुत सुबह का टाइम है तो कोई आया नहीं है, और ये मैंने वीडियो जल्दी जाकर के शूट की है तो आपको इस वीडियो में कोई दिखाई नहीं देगा। ये इतना खाली होता नहीं है सुबह सुबह। सो लेट्स प्रोसीड टू एनाटॉमी डिपार्टमेंट। नाउ एनाटॉमी याद आती है, सबसे पहले क्या याद आता है आप सभी को? डिसेक्शन हॉल। वी हैड आवर कैडेवरिक ओथ टेकन डिसेक्शन हॉल में। तो उसकी ये एक छोटी सी क्लिप है। दिस इज़ द डेमो रूम जहाँ पर मैंने आपको बताया चिंटू स्पॉटेड। वेल दिस इज़ द सेकेंड डेमॉन्स्ट्रेशन रूम दैट वी हैव फॉर द एनाटॉमी डिपार्टमेंट, रिसर्च लैब फॉर द एनाटॉमी डिपार्टमेंट, एंड देन वी हैव वॉशरूम। वी आर ऑल्सो अलॉटेड लॉकर्स। इसके अलावा एनाट डिपार्टमेंट के अंदर हिस्टोलॉजी लैब भी आता है, जो मैं बताना भूल गई थी। हिस्टोलॉजी लैब इज़ बेसिकली जहाँ पर आपके सारे माइक्रोस्कोप्स होते हैं एंड यू हैव टू लुक इनटू द स्लाइड। ओके लेट्स मूव टू अनदर डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। यहाँ पर हमारे पास हैं तीन लैब्स। द फर्स्ट लैब विच कम्स अंडर फिजियो डिपार्टमेंट इज क्लिनिकल लैब, जहाँ पर हम सारे क्लिनिकल चीज़ें परफॉर्म करते हैं, लाइक जनरल एग्जामिनेशन, सीवियस एग्जामिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हियर इज द एग्जाम्पल ऑफ एग्जैक्टली 120 और 73। हाँ, पढ़ाई के साथ थोड़ा बहुत फन तो चलता ही रहता है, तो वो भी देख लो। नेक्स्ट वी हैव द हिमैट लैब। हिमैट लैब इज़ बेसिकली द हिमैटोलॉजी लैब, जहाँ पर आपको अपने हाथ को प्रिक करना होता है, आपके फिंगर को प्रिक करके उसमें से ब्लड निकालना होता है, एंड उससे वी हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स। वेल दैट्स व्हाई वी से MBBS खून मांगता है। डोंट वरी, स्टार्टिंग में डर लगता है बट आदत हो जाती है। ओके और ये है हमारे बाहर का एरिया जो मैं दिखाना भूल गई थी। लैब विच कम्स अंडर द फिजियो लैब इज मेमेलियन लैब। वहाँ पर हमने कुछ खास अभी तक एक्सपेरिमेंट्स किए नहीं है, सो आई कैन नॉट टेल यू अबाउट दैट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन रूम फॉर फिजियोलॉजी। ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रिपरेशन के लिए रूम्स होते हैं, तो वो वहाँ पर प्रेजेंट है। नाउ लेट्स मूव टू द एरिया जहाँ पर हमारा डिसेक्शन हॉल प्रेजेंट है। तो ये स्टेयर्स है जो बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ जाती हैं। डिसेक्शन हॉल में घुसने से पहले यू हैव दिस एनाटॉमी म्यूजियम, जहाँ पर बहुत सारे स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं। आई हैव पुट अ फोटो जहाँ पर आप देख सकते हो कि पीछे बहुत सारे स्पेसिमेंट्स वगैरह रखे गए हैं, चार्ट्स, पोस्टर्स, स्पेसिमेंट्स एक्सेट्रा, वो सब यहीं पर रखे हुए हैं। उससे पहले मैंने ये थोड़ा कारनामा करने का सोचा, आई डोंट नो वाई। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गई थी, तो या जल्दी पहुंच गई थी तो मैं थोड़ा टाइम पास कर रही थी। ओके नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। तो ये है हमारा डिसेक्शन हॉल। चलो लेट्स गो टू बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जो कि है अपस्टेयर्स। सो सीढ़ियाँ चढ़ते ही यू कैन सी द मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं, बट यू कैन सी अ ब्यूटीफुल व्यू तीनों का। ओके सो अगेन हियर वी हैव अ प्रिपरेशन रूम फॉर बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर सारी केमिकल्स वगैरह, रिएजेंट्स वगैरह रखे होते हैं। एंड देन वी हैव अ लाइब्रेरी सेमिनार फॉर बायोकेमिस्ट्री। हमारे सारे डिपार्टमेंट्स के पास लाइब्रेरी एंड सेमिनार है, विच इज़ बेसिकली फॉर टीचर। नाउ हियर कम्स द बायोकेमिस्ट्री लैब, जहाँ पर वी डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। एंड ही काफ़ी बड़ा है एंड काफ़ी स्पेशियस है। डोंट वरी गाइस, वो इसमें क्रीपी लग रहा है बट ये एक्चुअल में इतना क्रीपी है नहीं। उस टाइम पर लाइट्स ऑन नहीं थी इसलिए ऐसा लग रहा था। एनीवेज लेट्स मूव टू द अदर एरियाज। यहाँ पे वी आल्सो हैव द एरिया अगर किसी को व्हील चेयर पर लाना हो तो। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेमॉन्स्ट्रेशन रूम ऑफ बायोकेमिस्ट्री, और ये मैं आपको हॉलवे से दिखा रही हूँ कि कैसा दिखता है। सो या दिस इज़ द डेमॉन्स्ट्रेशन रूम फॉर बायोकेमिस्ट्री, जहाँ पर हम बैठ कर पढ़ते हैं। नाउ वी हैव कॉमन रूम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। दो कॉमन रूम्स हैं बेसिकली, वहाँ पर कोई भी प्रैक्टिसेस, डांस प्रैक्टिस, सिंगिंग प्रैक्टिस वगैरह, कोई भी तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। हियर इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर दिखता है सुबह सुबह, जो कि मैं सुबह जल्दी आती हूँ तो मैं सुबह यहाँ बैठ जाती हूँ।
Moving to the lecture halls, we have 5 lecture halls. This is the lecture hall number 3, जो कि mainly seniors द्वारा use किया जाता है. We don't sit here. Well guys, this is lecture hall 3's balcony. ये बहुत ही सुंदर है and हमें यहाँ पर एक हफ्ते तक classes attend करनी थी. Apart from this, we also have a library and a reading room in the same campus. Well, this is a video of the reading room. इसके अलावा एज यू नो कि हमारा जो कैंपस है वो सेलुलर जेल के बिल्कुल सामने है, तो वी हैव दिस ब्यूटीफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ सेलुलर. सो दिस इज़ द लेक्चर हॉल 1 जहाँ पे हमारी फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस हुई थी. दिस हॉल इज़ ऑल्सो मोस्टली यूज बाय द सीनियर्स. ओके, सो नाउ कमिंग टू द मेन कैंपस विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी. सो दीज आर सम ड्रोन शॉट्स कैप्चर्ड फॉर आवर फेस्ट जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं. नाउ लेट्स हैव अ टूर ऑफ दिस कैंपस. सो दिस इज़ द मेन एडमिन ब्लॉक जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है एंड दिस एरिया इज बेसिकली द मेस ब्लॉक. दिस एरिया इज नोन एज द व्यू पॉइंट जो बेसिकली कार्बन स्कोप वाले कैंपस में एंटर करने के थोड़ी ही दूर पर है. नाउ दिस कार्बन स्कोप कैंपस इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, इसलिए यहाँ की ये सारी जमीन अभी खाली है, बट धीरे धीरे द होल कॉलेज विल बी शिफ्टेड हियर. नाउ लेट्स टेक अ क्लोजर लुक टुवर्ड्स द मेस ब्लॉक वाला एरिया. दिस इज बेसिकली बॉयज हॉस्टल 1. दिस इज BH2 इन फ्रंट ऑफ द मेस. दिस बिल्डिंग इज द गर्ल्स हॉस्टल. हियर वी हैव द मेस एंड द बैठकी. शाम को ये पूरा स्पॉट बहुत ही प्यारा लगता है एंड यहाँ पर बैठने में बहुत मज़ा आता है. व्यू फ्रॉम द बैल्कनी ऑफ मेस. दीज आर द स्टेयर्स विच लीड टू द गर्ल्स हॉस्टल एंड ये पूरा कैंपस का एक व्यू. नाउ लेट मी शो यू लेक्चर हॉल 4 एंड लेक्चर हॉल 5. दिस इज़ द लेक्चर हॉल 4. लेक्चर हॉल 5 भी बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखता है एंड लेक्चर हॉल 4 एंड लेक्चर हॉल 5 में ही फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं. तो यस, शाम को हमारी इवनिंग लेक्चर्स इन्हीं क्लासेस में होती है. इसके जस्ट अपोजिट अगर आपको कोई डोर दिख रहा है तो दैट्स लेक्चर हॉल 5, एग्जैक्ट सेम. ओके, क्लास में हमें फ्री टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर फ्री टाइम मिलता है तो हम ऐसी हरकतें करते हैं. So this was the overall tour of Annams campus. I hope you loved it. If you loved it, please don't forget to subscribe my channel, like this video. More vlogs will be coming soon. Tab tak ke liye, bye bye. And haan, ruko ruko, abhi jana mat. देखो यार, समझो, बीच.